Gentlemen, get ready for a change. क्या कहूं तुम्हें रेशमा, मैं बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। That's right, I guess it's fine very quickly, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह लालची नहीं हूं। तो किसने रोका है तुम्हें? जाओ जाकर ठोकरे खाओ। तुम चलो भी और ये मेरा हुक्म है। No way, मैं बहुत ambitious हूँ अपने करियर को लेकर। मैं कुछ भी कुर्बान कर सकती हूँ। क्या मुझे भी? अगर जरूरत पड़ी तो। डैड तो साहूकार है अंकल, जहां भी मुनाफा देखा चोंच मार लेते हैं। और आप उनसे क्या मशवरा करेंगे? मैं तो पहले ही उन्हें मना कर आया हूं। फिर भी मैं उनसे मशवरा करूंगा। ठीक है, आप मशवरा कीजिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट तो मैं लेकर ही रहूंगा। साहिबा, वाह, स्कूल की काफी सफाई हुई है, बहुत अच्छा। एक मास्टर भी है और एक बच्चा भी, लेकिन क्या करें, बेचारा अपाहिज सा बच्चा। महकमे से तनख्वाह मिल जाती है इस अपाहिज बच्चे को पढ़ाने की? अफजल खान, अफजल खान, नहीं इम्तियाज भाई, आप इसके मुंह नहीं लगेंगे। कहने दीजिए जो ये कहना चाहता है, निकाल लेने दीजिए इसके अपने मन की भड़ास। आज इसे वो दिन, वो लम्हा याद आ रहा होगा जब मैंने इसे कहा था कि मैं वापस आऊंगी इसी गांव में। कपूर खान, ले, मैं फिर से वापस आ गई हूं। अरे आना ही था तुम्हें, अपनी मिट्टी में कम से कम कब्र तो मिल जाएगी तुम्हें। अफजल खान, अगर तुम ये समझते हो कि यास्मीन बहन अकेली है तो फिर क्या करूं लंगड़े, तुम्हें इसका हमदर्द समझकर चला जाऊं यहां से? चला जाऊंगा, जरूर चला जाऊंगा, लेकिन सुन है मास्टर ने, तुम जो ख्वाब देखकर आई हो इस गांव में, वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अपनी खैर चाहती हो तो वहीं वापस लौट जाओ जहां पे तुम इतने सालों से थे। पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए। किस किस को बताए ज-
जुदाई का सबब हम काशीनाथ जी। जनाब यह जिसमें वो इन पेट पेट नजर आम पट अगर यथ जमा खर्चा से हिसाब करो नुकसान चुन हिसाब है तो अगर दफ्तरी हिसाब मेजान लागोस तेल कागज के घाट से मगर जनाब यह चैरिटेबल ट्रस्ट हिसाब जनाब अत कहे मैं प्रोच जवाब बेहतर जनाब मगर इस जनाब फातिमा चैरिटेबल नर्सिंग होम फाइल जनाब बिल्कुल तमि अलव कस नर्सिंग होम चलान बहुत पंडित जी फातिमा नर्सिंग होम की कत कर